नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच बहुत ही शानदार अंदाज में जीता लिया और पहले मुकाबले में भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का प्रदर्शन जबरदस्त रहा, जिससे टीम इंडिया ने 28 रनों से जीत हासिल की और साथ ही साथ अब हमारी टीम दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए कानपुर पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेलना है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कब और कहां खेला जाएगा और कितने बजे खेला जाएगा और कौन से बल्लेबाज को भारतीय टीम में रन बनाने में मदद मिलेगी और कौन से बल्लेबाज फ्लॉप साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरा टेस्ट मैच कितना रोमांचक हो सकता है और रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार बल्लेबाजों से क्या उम्मीदें हैं, और साथ ही में हम जानेंगे कि टीम इंडिया किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी और कौन कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि भारत ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजी क्रम की मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा है? जी हां दोस्तों, 27 सितंबर से इस मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और भारतीय टीम की नजर इस सीरीज को जीतने पर है। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 280 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज की थी और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है। ऐसे में भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीतती है तो सीरीज पर कब्जा कर लेगी, लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी अलग है क्योंकि रोहित और विराट दोनों ही कानपुर के मैदान पर लंबे समय बाद टेस्ट मैच खेलेंगे। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी बार कानपुर में साल 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, यानी पूरे 8 साल बाद ये दोनों खिलाड़ी फिर से इस मैदान पर उतरेंगे। फैंस को इन दोनों से इस बार एक बड़ी पारी की उम्मीद है क्योंकि पहले टेस्ट में दोनों का बल्ला ज्यादा नहीं चल पाया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रोहित और विराट का कानपुर में रिकॉर्ड क्या रहा था। तो दोस्तों, अगर हम कानपुर के मैदान पर इनके प्रदर्शन की बात करें तो विराट कोहली ने इस ग्राउंड पर अब तक सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है। उस मैच में उन्होंने 9 और 18 रनों की छोटी पारियां खेली थीं। वहीं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, उन्होंने भी सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है जिसमें उन्होंने 35 और 68 रनों की पारी खेली थी और एक अर्धशतक भी जड़ा था। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी इस बार बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि सीरीज जीतने के लिए भारत को इनके बल्ले से बड़े रन की जरूरत होगी। तो दोस्तों, बात करें कानपुर के मैदान पर टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहेगा, तो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ने अब तक कुल 23 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत दर्ज की है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। और खास बात यह है कि भारत ने इस मैदान पर आखिरी बार साल 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच गंवाया था। उसके बाद से भारत ने कानपुर में कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा है। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। भारतीय टीम ने आज तक बांग्लादेश से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है। ये रिकॉर्ड भी बरकरार रखना भारतीय टीम का एक मुख्य उद्देश्य होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी होगी। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरा टेस्ट मैच में भारतीय टीम से कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल टीम के टॉप ऑन ऑर्डर में खेलेंगे। वही मिडिल ऑन ऑर्डर में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल खेलते नजर आएंगे। वही ऑलराउंडर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को जगह दी गई है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और यश दयाल जैसे गेंदबाजों के कंधों पर होगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी दूसरे टेस्ट मैच की जो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि भारत ये मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।